हाथी सचमुच अद्भुत प्राणी हैं। वे पृथ्वी पर सबसे बड़े भूमि जीव हैं और वे अपने विशिष्ट लक्षण, अद्वितीय व्यवहार और जटिल समाज के लिए जाने जाते हैं। हाथियों की सबसे विशिष्ट विशेषता उनकी लंबी सूंड है। सूंड एक संवेदनशील अंग है जिसका उपयोग हाथी कई कार्यों के लिए करते हैं, जिसमें भोजन और पानी ग्रहण करना, वस्तुओं को उठाना और स्थानांतरित करना और संवाद करना शामिल है। तो हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम सफारी पार्क में कैद की गई अविश्वसनीय मुठभेड़ों का क्लिप लेकर आया हूँ। नंबर 5, हाथी भर्सेज दरियाई घोड़े। हाथी और दरियाई घोड़े दोनों अत्यंत क्षेत्रीय प्राणी हैं, इसलिए जब वे रास्ता पार करते हैं तो क्या होता है। इस क्लिप मुठभेड़ में एक दरियाई घोड़ा एक हाथी को चुनौती देता है और निडरता से अपना मुंह चौड़ा करके अपने विशाल मुंह का प्रदर्शन करता है। हाथी हिप्पो की दंत स्थिति से क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सुझाव देते हैं कि उसे दंत चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता हो सकती है। इस क्लिप में एक हाथी धूप में तप रहे एक दरियाई घोड़े के ऊपर से लगभग गुजरता है, जिससे दरियाई घोड़े को जगह खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसा लगता है कि अफ्रीकी झाड़ियों में आकार मायने रखता है। हाथी दरियाई घोड़े के पास आना जारी रखता है और जब दरियाई घोड़े का पेट भर जाता है तो वह ठंडा होने के लिए पानी में भाग जाता है। हाथी भी पानी में घुस जाते हैं और दरियाई घोड़ों को भगा देते हैं। एक विशेष रूप से बड़ा हाथी दो दरियाई घोड़ों को डरा देता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भागने के लिए भेज देता है। इस क्षेत्र में अकेला बछड़ा ही पो रहता है, जो खतरनाक रूप से हाथी के करीब है। हाथी बछड़े की हरकतों से हैरान लगता है, लेकिन हमला नहीं करता। अंत में दरियाई घोड़ा का बच्चा पानी में कूद जाता है और तैर कर दूर चला जाता है। पंजानिया में एक हाथी हिप्पो पुल के पास पहुंचता है और उसे पार करने का फैसला करता है। ये कुछ बार उड़ता है और दरियाई घोड़े से बिना किसी प्रतिरोध के गुजरने देते हैं। ये मुठभेड़ हाथियों और दरियाई घोड़ों के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करती है। हालांकि दोनों प्रजातियां क्षेत्रीय और शक्तिशाली हैं, वे अक्सर शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रहती हैं। हालांकि जब वे टकराते हैं तो ये प्रकृति का एक शानदार और कभी कभी खतरनाक प्रदर्शन हो सकता है। नंबर 4, हाथी भर्सेज जंगली कुत्ते। जबकि जंगली कुत्ते कुशल शिकारी होते हैं, जब उनका सामना हाथी जैसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से होता है तो उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। ये हाथी छोटे से पानी के गड्ढे पर एकमात्र स्वामित्व का दावा करता है और आक्रामक रूप से कुत्तों को वहाँ से चले जाने का आदेश देता है। हाथी के आरोपों के बावजूद प्यासे कुत्ते डटे रहे और अपनी प्यास बुझाने में कामयाब रहे। ये हाथी जमकर अपने बच्चों को जंगली कुत्तों से बचा रहे हैं। हालांकि जंगली कुत्ते वयस्क हाथियों पर काबू पाने में असमर्थ हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम करें तो संभावित रूप से एक बछड़े को मार गिरा सकते हैं। हालांकि आज ऐसा नहीं है, क्योंकि झुंड अपने बच्चों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेता है। एक अन्य चिढ़ा हुआ हाथी जंगली कुत्तों के एक समूह के साथ पानी का गड्ढा साझा करने से इनकार कर देता है और उन्हें भगा देता है। अपने डर के बावजूद कुत्ते दृढ़ निश्चयी और दृढ़ निश्चयी होते हैं, खासकर प्यासे होने पर। एक पर्यटक अफ्रीकी जंगली कुत्तों के झुंड से हाथियों द्वारा बहादुरी से एक बिल्ली की रक्षा करते हुए फुटेज कैप्चर करता है। महाथी और झुंड का एक अन्य वयस्क तीन अलग अलग आवाजें निकालकर कुत्तों को पीछे हटाता है, जिनमें से कुछ परिवार के अन्य सदस्यों से मदद के लिए कॉल करने का काम करते हैं, जो उनकी सहायता के लिए आते हैं। नंबर 3, हाथी भर्सेज ह्यूमैन। एक 20 वर्षीय कलाबाज और पशु प्रशिक्षक 5 अफ्रीकी हाथियों के साथ अविश्वसनीय करतब दिखाता है। अफ्रीकी हाथी महाद्वीप के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं, जिनकी ऊंचाई 10 फीट तक होती है और उनका वजन औसतन 6 टन होता है। इस पशु प्रशिक्षक और कलाबाज का अपने हाथियों के साथ एक विशेष बंधन है, क्योंकि वह उन्हें अपने पूरे जीवन में जानता है। यदि आपको लगता है कि आपका कुत्ता चतुर है, क्योंकि जब आप उसे बुलाते हैं तो वह दौड़कर आपके पास आता है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आप इस आदमी को इन हाथियों को बुलाते हुए न देख लें और उन्हें पूरी गति से उसकी ओर दौड़ते हुए न देखें।
सब कुछ ठीक है अगर वे उस आदमी को गले लगाने का फैसला नहीं करते, क्योंकि उसे टमाटर की तरह कुचल दिया जाएगा। ये हाथी कुत्तों की तरह हैं। जब भी वह उन्हें बुलाता है वे जवाब देते हैं और उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। उन्होंने अपने लिए बॉडीगार्ड्स की काफी टीम इकट्ठी कर ली है। इनमें से एक हाथी तो उसे अपनी सूंड से होठों पर चूम भी लेता है। क्या यह मनमोहक नहीं है? उस मनमोहक क्षण को देखें जब एक हाथी ने अपने पसंदीदा व्यक्ति को एक हाथी की बच्चे के साथ समय बिताते हुए देखती है और फिर देखती है कि वह हाथी प्रकृति पार्क में क्या करती है। यदि आपको लगता है कि आपके कुत्ते या बिल्ली को गले लगाने में आनंद आता है तो इसे देखने तक प्रतीक्षा करें। इस हाथी की बच्चे को इंसानों के साथ निपटना बहुत पसंद है। जैसा कि इस वीडियो से पता चलता है, हाथी ने आदमी को घेर लिया। यह बहुत मजेदार प्रतीत होता है। यह एक हाथी अभयारण्य है जहां कई दुर्व्यवहारग्रस्त हाथियों की देखभाल की जाती है और वे सभी इस छोटे आदमी की तरह ही प्यारे हैं। ये कितनी अद्भुत जगह होगी। मुझे नहीं पता था कि हाथियों को आलिंगन का इतना शौक होता है। बेशक ज्यादातर बच्चे ही इतने मिलनसार होते हैं, लेकिन अगर कोई वयस्क किसी इंसान के साथ यही काम करे तो कौन जानता है कि क्या हो सकता है। अफ्रीका में मनुष्य और हाथी पिछली प्रजातियों से सहविकसित हुए हैं। मनुष्य हमेशा इन अविश्वसनीय प्राणियों के साथ सहअस्तित्व में रहा है और हमारे बीच उनके साथ बहुत सारी समानताएं हैं। हाथियों और मनुष्यों दोनों के बच्चों को परिपक्व होने में लंबा समय लगता है। दोनों के पास व्यापक सामाजिक नेटवर्क हैं और दोनों को गेम खेलना पसंद है। ये युवा हाथी हर सुबह अपने मानव मित्र से मिलने और उसका स्वागत करने आता है। वे हमेशा पार्क में एक दूसरे की तलाश में रहते हैं। कितनी खूबसूरत दोस्ती है। इस हाथी को अपने टायर से खेलना बहुत पसंद है। ये वह जगह है जहां आप देख सकते हैं कि हाथी कैसे छोटे बच्चों की तरह होते हैं। उन्हें खेल में वस्तुओं के साथ बातचीत करना पसंद होता है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि ये हाथी बिना गिरे इस टायर को धकेलने में काफी कुछ। नंबर दो, हाथी लर्न टू यूज ट्रंक। ये युवा हाथी अपने प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए एक दर्पण का उपयोग करता है और अपनी सूंड को खोजता है। ये अपनी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हुए खेल में अपनी सूंड को दर्पण के सामने घुमाता है। एक और हाथी का बच्चा अपनी सूंड से अटखेलियां करता है, उसके विभिन्न कार्यों को समझने की कोशिश करता है। ये मनमोहक प्राणी अपने अनोखे उपांग से मोहित हो जाता है। इस उल्लेखनीय फुटेज में एक हाथी की बच्चे को कैद किया गया है जो एक ऐसी माँ से पैदा हुआ है जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय सुमात्रा हाथी टीम का हिस्सा है और अपनी सूंड का उपयोग करना सीख रहा है। लगभग 4 महीने की उम्र में बछड़ा तेजी से बढ़ रहा है और अपनी माँ के व्यवहार की नकल कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपनी सूंड का उपयोग करने में दक्षता हासिल कर रहा है। इस आश्चर्यजनक इस वीडियो में एक हाथी की बच्चे को दिखाया गया है जो अभी कुछ दिन का है और अपनी सूंड से पानी पीने की कला में महारत हासिल कर रहा है। देखें कि कैसे झुंड नवजात शिशु को ध्यान से देखता है और उसकी माँ के धड़ पर काटने का निशान देखता है जो संभवतः मगरमच्छ के हमले के कारण हुआ है। नंबर एक, हाथी भरसिच कार। इस वीडियो में हम एक शक्तिशाली हाथी को एक कार पर पलटकर अपनी ताकत और क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, जैसे कि वो कोई खिलौना हो। ये घटना इन विशाल जानवरों की अपार ताकत और संभावित खतरे को उजागर करती है। इस वीडियो में युवाओं के एक समूह का एक बड़ा हाथी पीछा कर रहा है। सौभाग्य से वे हाथी से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं जब तक कि उनकी जीप में कोई खराबी न आ जाए। अधिक सकारात्मक बात ये है कि हम एक मित्रवत हाथी को उन लोगों को दिशा निर्देश देते हुए भी देखते हैं जो मदद मांगने के लिए रुके थे। यह समय बातचीत दर्शाती है कि हाथी मिलनसार और मददगार प्राणी भी हो सकते हैं। हालांकि वीडियो हाथियों में आक्रामकता की संभावना को दर्शाता है। एक हाथी गुस्से में अपनी सूंड से एक वाहन की खिड़की तोड़ देता है जिससे उसमें बैठे लोग बाल बाल बच जाते हैं। शुक्रवार है कि इस घटना के बाद मामला शांत होता दिख रहा है। एक और खतरनाक दृश्य में एक हाथी एक कार पर बैठने का फैसला करता है
वयस्क हाथियों का वजन 7 या 14 हजार पाउंड तक होने से कार और उसके यात्रियों को आसानी से कुचला जा सकता था। ये घटना इन शक्तिशाली जानवरों का सम्मान करने और उन्हें पर्याप्त स्थान देने के महत्व पर प्रकाश डालती है। इस वीडियो का समापन वर्णनकर्ता द्वारा हाथियों के प्रति विस्मय और प्रशंसा व्यक्त करने, उनकी अविश्वसनीय ताकत और उनके द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे को पहचानने के साथ होता है। ये इन शानदार प्राणियों का सम्मान करने और प्राकृतिक दुनिया में उनके अद्वितीय स्थान की सराहना करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।